अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? ठीक हैं? आज देखिए ज़रा, हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेकेंड मेजर गैस ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद एयर की जो सबसे मेजर गैस है वो है ऑक्सीजन। इट इज़ अ कलरलेस गैस, ये बहुत ही बेरंग गैस होती है। इट हैज़ नो स्मेल, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। ऑक्सीजन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ऑक्सीजन बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है वो पानी में डिजोल्व हो जाती है। इट इज़ वेरी एक्टिव गैस, ये बहुत ही एक्टिव गैस होती है। ऑक्सीजन डज नॉट बर्न, ऑक्सीजन जो है वो जलती नहीं है। बट इट हेल्प इन बर्निंग एंड डस्टिंग ऑफ द आयरन, लेकिन ये जलने में मदद देती है और आयरन का जंग भी इस वजह से लगता है। यूजेज ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इस्तेमाल। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, जितने भी जानदार हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत सांस लेने के लिए होती है। इट इज़ असेंशियल फॉर बर्निंग ऑफ द वुड कोल एंड द नेचुरल गैस, और ये ज़रूरी है इसके लिए, बर्निंग के लिए, लकड़ी के जलने के लिए, कोल के लिए और नेचुरल गैस के लिए। इट इज़ डिजोल्व इन वाटर, पानी में डिजोल्व हो जाती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज, खसूसियत की वजह से एनिमल्स एंड द प्लांट्स ब्रीथ इन द वाटर, यही वजह है कि जिसकी वजह से एनिमल्स और प्लांट जो है वो पानी में सांस ले सकते हैं। सम पेशेंट ऑफ लंग्स एंड हार्ट डिजीजेज नीड ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल, कुछ पेशेंट जो है जिनको फेफड़ों का मसला होता है या दिल का बीमारियाँ होती हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में। माउंटेन्स क्लिम्बर्स, सी डाइवर्स एंड एस्ट्रोनॉट्स कैरी ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स फॉर ब्रीथिंग। अब जितने भी ये माउंटेन क्लिम्बर होते हैं, पहाड़ चढ़ने वाले जो होते हैं, सी डाइवर्स होते हैं जो गोताखोर होते हैं, एस्ट्रोनॉट जो माहिर फलकियात वगैरह होते हैं, उनको भी सांस लेने के लिए इन गैस के एज ए सिलेंडर यूज करना पड़ते हैं। इट इज़ यूज इन वेल्डिंग एंड द कटिंग ऑफ द मेल्टिंग, ये वेल्डिंग जो होती है ना, जिससे हम लोहे की मरम्मत करते हैं और मेटल्स को कट करने के लिए इस गैस की ज़रूरत पड़ती है। रॉकेट्स यूज लिक्विड ऑक्सीजन ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नीज। रॉकेट जो है उसकी ऑक्सीजन स्पेस में सफ़र करने के लिए इस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज लेस देन 1%। कार्बन डाइऑक्साइड की जो है अमाउंट, उसकी मकदार हमारी हवा में सिर्फ 1% से ज़्यादा नहीं होती। इट इज़ अ कलरलेस गैस, ये भी कलरलेस गैस होती है। इट हैज़ नो स्मेल बट अ सॉर्टेस, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन इसका जायका खट्टा होता है। इट इज़ स्लाइटली सॉलिबल इन वाटर बट इट्स सॉलिबिलिटी इंक्रीज अंडर हाई प्रेशर। ये पानी में डिजोल्व तो होती है, लेकिन तब डिजोल्व ज़्यादा होती है जब इसका प्रेशर ज़्यादा हो। इट इज़ अ हैवियर देन एयर, ये हवा से भारी होती है। इट कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट बर्न, कार्बन डाइऑक्साइड बर्न नहीं होती, और ये टर्म लाइम, और जब लिटमस पेपर को में इसका कोई रिएक्शन करवाया जाए तो मतलब एज अ रिजल्ट लिटमस पेपर जो है वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, के मतलब मिल्की कलर में आ जाता है। इट आल्सो डज नॉट सपोर्ट द बर्निंग प्रोसेस, ये जलने में मदद नहीं देती। यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो सराउंडिंग से डिजोल्व करते हैं खुराक बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज फिल्ड इन सोडा वाटर बॉटल अंडर सम प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडा वाटर बॉटल्स में यूज होती हैं। अ फायर एक्सटिंग्विशर रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू पुट आउट फायर्स। उन्होंने ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ये यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि आग को ख़त्म कर सके। व्हेन द केक इज़ बेक, जब केक जो है वो बेक हो जाता है, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन आउट, तो उस पर जो बबल्स आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। दिस बबल कॉज द केक टू राइज एंड बिकम फ्लफी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड केक को बढ़ाते हैं और उसको फ्लफी कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज इजिली फ्रोजन इन टू द सॉलिड फॉर्म विच इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड अगर फ्रोजन स्टेट में देखा जाए तो ड्राई आइस होती है। द ड्राई आइस इज़ यूज टू प्रिजर्व द फूड, और ये ड्राई आइस जो है वो खुराक को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।